हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं और एक प्रोडक्ट लेके आया हूं जो आप अपने सुबह शाम जब भी आप अपना टीवी ऑन करते होंगे तो देखते होंगे कि चाहे वीडियोकॉन का जो है DTH हो या फिर टाटा स्काई का या कोई भी हो, तो आप वहां जो इजी मॉल का एक होम शॉपिंग चैनल देखते होंगे और वहां पे बार बार दिखा रहे हैं कि आजकल एक जो है कॉपर जग दिखा रहे हैं 3 लीटर का और 5 लीटर का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोरोना ने तबाही मचा रखी है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कोरोना से बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का ध्यान ऐसी चीज़ों पर जा रहा है जो जिससे कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे एक्सरसाइज हो, या फिर काढ़ा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे में ही मैं जो बता रहा हूँ कि आजकल आप जो अपने टीवी पर देख रहे होंगे इजी मॉल का एक जो है प्रोडक्ट बार बार दिखाया जा रहा है, कॉपर का जग है जो 3 लीटर का भी आ रहा है और 5 लीटर का भी आ रहा है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉपर जो होता है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है बहुत अच्छा, और यही सोच करके मैंने भी जो है अपने घर के लिए जो एक 5 लीटर का कॉपर का जग वहाँ से मंगाया है। मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो आप टीवी पर देखते ही होंगे वो जग कैसा है, लेकिन टीवी पे जब हम देखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया जाता है और कहीं ना कहीं हमें उसकी रियलिटी नहीं पता लग पाती है कि वास्तव में वो चीज़ कैसी है। लेकिन आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, मैंने मंगाया हुआ है और मैं आपको दिखाऊँगा कि रियल में वो क्वालिटी कैसी है, क्या वो वर्थ ऑफ मनी है कि नहीं है। तो मैं चलिए मैं दिखाता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। ये इस स्प्रे के बॉक्स में आया हुआ है, इजी मॉल, आप देख सकते हैं इजी मॉल लिखा हुआ है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये रखता हूँ साइड में। सबसे पहले तो ये एक स्टैंड मिला है मुझे इसके साथ, इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टैंड मिला है, क्या आवाज़ देखूँ, क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मजबूत भी है, ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, अच्छा लग रहा है और मजबूत भी है। तो इसको फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ और अब मैं जो है जग इसका जो निकाल के देखता हूँ कैसा है ये जग। तो ये मैंने जो है जग लिया है, बबल रैप किया हुआ है इसमें, तो सेफ्टी के लिए बबल रैप तो ज़रूरी है। इसका ये कैप है और काफ़ी अच्छा है वेट में भी, मैं आपको दिखा दूं। और मैं इसका एक साउंड, वेट में काफ़ी अच्छा है ये, और देख लेते हैं। ये इसका जग है, और ये प्रॉपर पूरा जो है कॉपर से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसका गेज वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं आप इसे। देखिए ओ अब, और इसमें जो यहाँ पे इन्होंने जो ये टोटी लगा रखी है इसकी, ये प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक की रोटी है, ये प्लास्टिक की है, ये स्टील नहीं है, ये क्रोम इसमें किया हुआ है, बट ये जो है प्लास्टिक है।
इसको जो है ये तो इसमें पानी डालने के बाद पता लगेगा कि कुछ लीकेज वगैरह है या क्या है, कि मुझे ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लग रहा है ये। ये देखिए हिल भी रहा है, तो इसको तो हो सकता है ये टाइट हो जाए अंदर से, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो टाइट हो गया, इसको मैंने टाइट कर लिया यहाँ से, लेकिन अगर इसमें से पानी निकलेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं, और इसको यहाँ पे ये कैप सिर्फ रखने का है, इसको आप कस नहीं सकते हैं, केवल आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। और अब आप इसको जो है स्टैंड पर रख सकते हैं, ये हमने इसको स्टैंड पर रख दिया। देखने में तो सुंदर लग रहा है, इसके जो है सुंदरता में कोई कमी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, इसका गेज काफ़ी कम है। और जो इन्होंने ये टैप लगाया हुआ है, टैप इसका जो है प्लास्टिक का है, इस पर क्रोम किया हुआ है, फिर हल्का लग रहा है मुझे, इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की लग रही है, बाकी फिर भी ठीक ठाक है। अगर आप इसको जो है ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि ये जो कॉपर का जग है वो किस तरीके का है, जो इजी मॉल से मैंने ख़रीदा है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा जो आप देखते होंगे जब भी, तो बार बार टीवी पे दिखाई देता है, तो यही सोच करके मैंने भी इसे मंगाया। लेकिन जो सच बताऊँ तो, अपने दिल की बात बताऊँ तो, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं आया, और जो पैसे मैंने इसके दिए हैं उसके हिसाब से ये वर्थ नहीं करता है। और क्वालिटी काफ़ी इसकी हल्की है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका खाली स्टैंड बढ़िया है, बाकी अगर देखा जाए तो इसका जो पॉट है वो बहुत हल्की क्वालिटी का है, और जो अगर आप ज़रा सा टच भी होता है या कहीं थोड़ा सा लगता है तो ईजिली मतलब उसमें डेंट आ जाएगा। और जो इसमें टैप लगा हुआ है वो प्लास्टिक का है, और प्रॉपरली जो है फिटेड भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है शायद लीक भी कर जाए। तो आप भी इजी मॉल से इस तरीके का कॉपर जग मंगवा रहे हैं तो उससे पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जो जग मंगवा रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, जो आप पैसे पे कर रहे हैं वो उसको वर्थ करता है कि नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ को लाता रहूँगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रिव्यू हो, और जो मुझे लगता है कि मुझे आप सभी लोगों को बताना चाहिए या दिखाना चाहिए तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।